थोड़ा पॉइजन हो गया बस। मेरे को अंदर कहाँ जाना है, मेन तो लोग ही है। अंदर कौन है? सब बेवड़े बैठे हैं अंदर। थैंक यू सो मच माई बिग बॉस। मैं जब से बिग बॉस से बाहर निकली हूँ तबीयत मेरी ख़राब है, मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। नोएल्स करने के बाद भी बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, पोछे लगा रही हूँ। मुझे सिर्फ कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बर्तन धोए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बिस्तर लगाए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी उड़ जाए। क्योंकि जो ढाई तीन महीने का जो मेरा अंदर का जो सफ़र है, मुझे सिर्फ बिग बॉस की आवाज़ पे ही मैं हर चीज़ उड़ जाती हूँ, काम करती हूँ, घर का काम कर रही हूँ मैं। ओ माय गॉड, मेरी बहुत बुरी हालत है। ब्रेसलेट आप अभी भी ध्यान में रखना, ये तो हाँ जी, वो हमने देखा अभी बॉस के घर में। तो आप मानेंगे कंटिन्यू करेंगे आप इसे? मैं कंटिन्यू डेफिनेटली करूँगी क्योंकि सलमान जी ने मुझे अपने लग दिए हैं, उन्होंने खुद अपने हाथ से पहनाया है। तो ब्रेसलेट तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, इसको थोड़ा छोटा कराना पड़ेगा, वैसा हाथ से निकल जाता है। बट इट्स माय लकी ब्रेसलेट, सलमान जी के हाथ से पहना हुआ, उनका और मेरा सेम। किसी भी कंटेस्टेंट को ये कलर नहीं मिला, जो उनका कलर है वो ही मुझे मिला। आई एम सो लकी। सलमान जी लाइक इंडस्ट्री के मेरे गॉड ब्रदर है और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। धन्यवाद मेरा मेरी माँ का, और थैंक यू सो मच कि मुझे 14 लाख उठाने दिए। वो उसके कारण मैं अपने माँ का इलाज करा पा रही हूँ। बस लोगों को नहीं समझ में आया कि राखी तुम तो जीतने वाली थी। वो 14 लाख, जब मॉम आपकी कैंसर पीड़ित है, हॉस्पिटल में है, तो वो कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का भी सहारा होता है। मैंने कहा था पहले भी कि मेरा अकाउंट एकदम ज़ीरो बैलेंस हो गया है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो अपने हस्बैंड को और अपने ब्रदर को मैं उसके जो बैंक के डिटेल्स देकर गई थी कि मम्मी को कभी कुछ भी हो जाए तो एडमिट करना। तो टोटली ज़ीरो बैलेंस हो गया था क्योंकि हॉस्पिटल में इतना पैसे लग गए थे जितने भी थे। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन बहुत जल्द हम उससे लड़ेंगे और कैंसर को मिटा देंगे। और तभी मेरा सब कुछ वॉश आउट हो गया। पैसा आज नहीं तो कल इंसान कमा ही लेता है। माँ बाप होना बहुत ज़रूरी है, भाई बहन हमारी फैमिली होना ज़रूरी है। पैसे कहते हैं ना इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट भी है।